80 के दशक की सुपरस्टार हीरोइन परवीन बॉबी के कई सारे ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी चर्चाओं में हैं और इनके किस्से ख़त्म ही नहीं होते। आज एक ऐसे ही किस्से के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि एक्टर डैनी के साथ उनके प्यार के चर्चे जग जाहिर रहे। ये दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन की वजह से इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि कैसे आई इसके बारे में बताते हैं। डैनी अपने वक्त के हिंदी सिनेमा के खतरनाक विलन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई दिलचस्प किस्से हैं। कुछ सालों तक डैनी ने फिल्म पत्रिका फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में परवीन के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था। करीब 4 साल तक इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा और साथ ही डैनी कहते हैं कि हम एक दूसरे के घर पर भी आया जाया करते थे। उससे पहले अमिताभ बच्चन और महेश भट्ट संग भी परवीन के अफेयर की खबरें सुर्खियों में थी। हमने काफी समय अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बिताया, लेकिन बाद में परवीन पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया से जूझने लगी, जिसकी भनक मुझे नहीं थी। मैं और अमिताभ बच्चन काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस दौरान जब परवीन को उसके बारे में पता चला तो वे शॉक हो गए। डैनी कहते हैं कि एक दिन जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और जोर से चिल्लाती हुई बोली, चले जाओ यहाँ से, तुम अमिताभ के एजेंट हो। और फिर वहां से हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। उस जमाने में डैनी से पहले अमिताभ बच्चन के साथ परवीन के रिश्ते की खबर थी। बताया जाता था कि कई सालों तक ये दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे। इसके अलावा मजबूर, दीवार, शान जैसी कई फिल्मों में इनकी जोड़ी सफल साबित हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की वजह से परवीन ने डैनी से अपने रिश्ते को तोड़ लिया।